पिछले 20 साल राहुल गांधी के इलेक्टोरल डेब्यू जो हो रहा है प्रियंका का, थोड़ा लेट हो, थोड़ा 20 साल बाद प्रियंका गांधी से बेहद मोहब्बत है, बेहद मोहब्बत है, बेहद मोहब्बत। क्या बात है। और मैं एक बात पर जरूर कहूंगी माना, क्योंकि प्रियंका जी के कुछ गुण यहाँ पर बताना बहुत जरूरी है। और मैं भाई बहन की जोड़ी ने जो रातों को नींद उड़ा दिया ना माना, आपके पास कुछ है ही नहीं, केवल शिक्षा देने पर नहीं, केवल पत्थर उठाने तक बात पहुंच गई है कि जवाहरलाल नेहरू का राजनीति में आना ऋतुराज बसंत के आने की तरह है। संसद में खतरे की घंटी है, ये भाजपा नरेंद्र मोदी है, ये करने से कुछ नहीं होता है। नहीं, मैं मुस्कान की बात है, जोर जोर से ठहाके लगा रही हूँ। भीगी बिल्ली की तरह खम्मन उसकी रहेंगी, कोई फायदा नहीं है। वो तो क्या हो गया है, इतनी भाव विभोरे तो जज्बाती हो गई, रुमाल अवाल दे दीजिए इनको भाई। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का, आप देख रहे हैं खबरी शो। दोस्तों आज की डिबेट वीडियो होने वाली है बीजेपी की प्रवक्ता साजिया इल्मी और कांग्रेस की प्रवक्ता रागनी नायक के बीच में। दोस्तों प्रियंका गांधी अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत वायनाड से करने जा रही हैं, तो इसी को लेकर डिबेट है। डिबेट बहुत मजेदार होने वाली है, आप सुनोत अंत तक जरूर देखना। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं या चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। चलिए दोस्तों मेन वीडियो स्टार्ट करते हैं। क्या आपको निजी तौर पर भी लगता है रागिनी, लेट्स बी ऑनेस्ट टुडे, मतलब मुझे पता है आप प्रवक्ता हैं, राजनीतिक और पार्टी की जंजीरों से बंधी है, आपको भी लगता है कि 20 साल राहुल गांधी के इलेक्टोरल डेब्यू जो हो रहा है प्रियंका का, थोड़ा लेट हो गया? थोड़ा 20 साल बाद। मैं अपनी बात की शुरुआत जैसे आमतौर पर कुछ पंक्तियों के साथ करती हूँ, आज प्रियंका जी के लिए मैं कुछ कहना चाहती हूँ, तो मैं इन पंक्तियों के साथ अपनी बात शुरू करती हूँ आज की, क्योंकि बहुत खास दिन है और मेरा भी कहीं ना कहीं बहुत आत्मीय लगाव है प्रियंका जी के साथ। तो मैं कहना चाहती हूँ कि हवा को खुशबू से, खुशबू को फूलों से, फूलों को उपवन से, उपवन को बूंदों से, बूंदों को बादल से, बादल को आसमां से, और जो भी प्रियंका जी को जानता है उसे प्रियंका गांधी से बेहद मोहब्बत है, बेहद मोहब्बत है, बेहद मोहब्बत। क्या बात, भाषण कुछ ज्यादा नहीं हो गया। और वो कहा, वो खुसरो ने लिखा है कि खुसरो दरिया प्रेम का उल्टी बाकी धार, जो उतरो सो डूब गयो, जो डूब गयो सो पार। तो आज जितना भी जहर उगलेंगे भाजपाई और संघी आपके चैनल पर, जितनी नफरती बातें करेंगे, जितना भी कटाक्ष करें, जितना तीखा बोलें, आज मैं वो कुछ ग्रहण नहीं करने वाली हूँ, वो सब उन्हीं के पास वापस भेजती। और मैं एक बात पर जरूर कहूंगी माना, क्योंकि प्रियंका जी के कुछ गुण यहाँ पर बताना बहुत जरूरी है, और मैं कुछ अपने पर्सनल अनुभव भी शेयर करना चाहती हूँ। अच्छा, अरे भाई महत्वपूर्ण है ये कहना कि प्रियंका गांधी, एक मिनट शाजिया, ये अरे भाई बाद में करिएगा अपनी बारी में, प्रियंका गांधी धाकड़ हैं तो धैर्यवान भी हैं। आपकी बारी, साहसी आपकी बारी, संवेदनशील, इतनी भारी कब तक चलेगी आपकी बारी, वो संवेदनशील भी हैं। देखिए जब रविंद्रनाथ ठाकुर ने पंडित जवाहरलाल नेहरू के लिए कहा था, जब वो सक्रिय राजनीति में आए थे, कि जवाहरलाल नेहरू का राजनीति में आना ऋतुराज बसंत के आने की तरह है, और 10 साल के अन्याय काल में, ये प्लीज हंसी बंद कीजिए, गंभीर बहस है, 10 साल के अन्याय काल में जो लोकतांत्रिक मूल्यों का, बहुत गंभीर है लग रहा है, संवैधानिक अधिकारों का क्षरण हुआ, लोकतंत्र की भी बात कर रही है, कसीदे भी पढ़ रही है, चोट हुई है, एक मिनट मैं भी लगातार बोलूंगी, कसीदे पढ़वाएंगे, जो मानवीय मूल्यों पर चोट होती जा रही है, बोल रही है, उस पतझड़ में प्रियंका गांधी का आना एक बसंत ऋतु के आने के समान है। और गीतांजलि की पंक्ति बोलती है कि जब बसंत ऋतु आती है तो क्या होता है, ध्वंसा विशेष के विगत चिन्ह जब मिट्टी में मिल जाते हैं, ठीक है, उसी जगह फिर नए भवन, फिर नए सुमन, फिर नए उपवन खिल जाते हैं। तो ये भाई बहन की जोड़ी ने जो रातों की नींद उड़ा दी है ना मानक, शुरू हो गया है, और संसद में खतरे की घंटी है, ये भाजपा और नरेंद्र मोदी की है। और मैं शाजिया से पूछना चाहती हूँ, तुम इतना जो मुस्कुरा रही हो क्या गम है जिसको छुपा रही हो, ये हुआ करने से कुछ नहीं होता है। नहीं, मैं मुस्कान की बात, मैं जोर जोर से ठहाके लगा रही हूँ, मैं सिर्फ मुस्कुरा नहीं रही हूँ, मैं जोर जोर से ठहाके लगा लगा के गिरना चाहिए, इतने ठहाके मत लगाइए, मुझे आप पर थोड़ा, आप कितनी दयनीय, आपकी स्थिति कितनी दयनीय है कि आप किस तरह से कसीदे पढ़ रही हैं, और मतलब मुझे अफसोस हो रहा है आपके लिए और कांग्रेस के और लोगों के लिए, मोदी जी के चरण वंदना करनी पड़ती है, मुसलमानों की इतनी गालियां देती है भारतीय जनता पार्टी, उसके बाद भी आपको यहाँ बैठकर
चाटुकारिता करनी पड़ती है। लेट्स नॉट बी पर्सनल, शाजिया आपकी बात है, शाजिया बोले, उसके बाद काउंटर करने का मौका दूंगा। उन्होंने कहा कि दयनीय दयनीय, ये खुद दयनीय है, पर्सनल ना होए। नहीं सच में पर आप दया के पात्र इतनी बन गई हैं अभी, जिस तरह से आप फिर पर्सनल होंगी तो मुझे बोलना पड़ेगा, पूरी पार्टी के जो मुझे बोलना पड़ेगा। मैं अपने नेता की तारीफ कर रही हूँ, आपके पेट में क्यों दर्द हो रहा है? कसीदे पढ़ रही हैं, मैं अपनी नेता की तारीफ कर रही हूँ, आप करिए अपने नेता। आप ये सोचिए, पर्सनल में बिल्कुल नहीं थी मैं। अगर मुझे लग रहा है कि कांग्रेस पार्टी के जो प्रवक्ता और नेता हैं और पूरी पार्टी ऐसी दया की पात्र बन गई है, उन्होंने क्या कर दिया है परिवारवाद का, देखिए ये दबदबा आप देखिए, तो मुझे बहुत अफसोस हो रहा है। एक तीन फैमिली मेंबर्स हैं, तीनों तीनों है, मतलब मतलब कांग्रेस के और लोगों को नहीं आने दो भैया, मुसलमान कांग्रेस में भी तो आना देती होंगी मुझे, तो कांग्रेस से किसी मुसलमान को देती, चलिए सिमी रोजवेल को नहीं देती, किसी मुसलमान को नहीं होगा आपका। अरे केरल में मुसलमान भी तो होंगे बहुत सारे, मुसलमान महिलाएं भी होंगी, उनको नहीं देती भाजपा में मुसलमान, मुसलमान जो आप कर रही हैं, अरे भाई मुसलमान भी तो हैं कांग्रेस पार्टी में, तो दे देती है। अरे हमने तो बहुत मुसलमानों को लड़वा दिया। खतरे की घंटी बज गई आपके लिए, ये रागिनी कह रही है आपके लिए, संसद में भी आपके लिए दिक्कत होने वाली है और देश की राजनीति में भी। अब प्रियंका गांधी एक्टिव पॉलिटिक्स में आ गई है, सीधा जवाब दीजिए। अरे प्रियंका गांधी जी सालों साल से पॉलिटिक्स में थी, वो प्रचार कर रही थी, संचार कर रही थी, क्या कुछ नहीं कर रही थी। अब वायनाड सेफ सीट राहुल गांधी को मिली, वो उन्होंने अपनी बहन को दे दी, परिवार पूरा फैमिली शो चल रहा है, कोई नई बात तो उसमें है नहीं। माना आप एक एक करके बुलवा लीजिए, वरना ये बीच में बौखला कर बोलती रहेंगी, भीगी बिल्ली की तरह खम्मा नोचती रहेंगी, कोई फायदा नहीं होगा। प्रियंका जी ने केरल में कहा, इतने साल से मैंने 35 साल अपनी माँ अपने भाई और कांग्रेस पार्टी के लिए भाव से प्रचार कैसे किया जाता है, निस्वार्थ भाव से राजनीति कैसे की जाती है, ये सोनिया गांधी ने प्रधानमंत्री पद की ठुकरा कर दिखाया, प्रियंका गांधी ने भी बिना किसी पद की लालसा के 35 साल तक पार्टी का काम किया बिना किसी पद की लालसा के। कोई सेंसेस बात की मेरी बात पूरी नहीं होने दी, अरे हो तो गई आपकी बात पूरी, अरे हो गई आपकी बात नहीं, ये बीच में लगातार बोल रही है, मैं भी लगातार बोलूंगी, आपने इनकी वॉइस डाउन नहीं किया, हो जाए वॉइस डाउन कर सकते हैं आप, ये इनकी आदत है, अपने आप को बीच में लगातार बोलती जाएंगी बोलती जाएंगी बोलती जाएंगी, आपके पास कुछ है ही नहीं बोलने के लिए, केवल छीछा लेदर करनी है, केवल पत्थर उछालने तक बात पहुंच गई है। अब रागिनी शाजिया का जवाब सुनिए, एक एक राउंड और दूंगा, अभी बहुत टाइम है मेरे पास, एक एक राउंड और दूंगा, पहले शाजिया बोलिए कंप्लीट करिए। अरे ये क्या मतलब है, जो मैं बोलना चाह रही थी ये बीच में बोलती रही, जो जितने भाव, अरे भैया हाँ बोलिए चलिए, या आपको क्या हो गया है, इतनी भाव विभोरे तो जज्बाती हो गई, रुमाल अमाल दे दीजिए इनको भाई। बहुत बड़ा दिन लग रहा है आपके लिए, हो गया है, प्रियंका जी को बहुत अच्छा लगेगा, ये फिर पर्सनल हो रही है आपको, तो आप थोड़ा पानी पीजिए और शांत होकर बैठ जाइए, आपकी ये अरे आपकी फालतू की अनर्गल बातें कोई सुनना नहीं चाहता है। आज कांग्रेस पार्टी के लिए एक अच्छा दिन है, देश के लिए शुक्र है। आप बहुत सालों से रही है, 20 साल से लगातार उन्होंने प्रचार किया है अपनी माँ के लिए और अपने भाई के लिए, और उसका नतीजा क्या है सब देख रहे हैं, खुद राहुल गांधी जी भी इतने सालों से रहे हैं लेकिन उसका भी नतीजा क्या है वो भी सब देख रहे हैं, कि तीन बार लगातार हमारे प्रधानमंत्री पूरी तरह से देश विदेश में छाए हुए हैं, तो प्रियंका क्या कर पाएंगी मुझे तो मालूम नहीं, क्योंकि राहुल गांधी खुद कुछ नहीं कर पाए। गजब बेइज्जती है। माना कितना समय है आपके पास, 1-1.5 मिनट दे सकते हैं आप? हाँ बोलिए, 1 मिनट आपका, उसके बाद 1 मिनट शाजिया का, बोलिए। क्यों ठीक है हमारी सीटें नहीं आई, 44 सीटें भी जब थी तो मोदी सरकार के घुटने टिकाने का काम भूमि अधिग्रहण के मामले में राहुल गांधी ने किया था, 3 काले कानूनों को वापस करवाने का काम पूरे तरीके से किसानों के साथ खड़े होकर राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी ने किया, और आज भी जब वो एलओपी हैं, नेता प्रतिपक्ष हैं, तो जाति जनगणना पर भी मोदी जी की नाक झुकवाने और घुटने टिकवाने का काम राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी करेगी। ओह माय गॉड, वाओ। अच्छा तो सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगी कि जो सारे गुण उन्होंने गुनाए हैं, जो सारे ताज पहनाए हैं उन्होंने प्रियंका जी पर,
मुझे लगता था ताज जो थे राहुल जी के, राहुल जी के लिए होने चाहिए थे, सोनिया जी के लिए होने चाहिए थे, लेकिन सारे अब ताज इन पर आ गए। तो अगर पार्टी को पूरी तरह से खत्म करने का एक मजाक का पात्र बनाने का काम राहुल गांधी ने किया है वो सब जानते हैं। और अपने ही परिवार की नीतियों का मजाक उड़ाना, अपने ही चाहे नेहरू जी हों, चाहे इंदिरा गांधी हों, चाहे राजीव गांधी हों, जिन्होंने मंडल कमीशन के रिकमेंडेशंस का 10 साल बाद तक उसको ठंडे बस्ते में रखा, तो अगर राहुल गांधी ने किसी के घुटने टेके हैं और किसी का निरादर किया है तो उन्होंने अपने पिता का किया है और अपनी दादी का किया है और अपने परदादा का किया है। तो दोस्तों, अगर आपने वीडियो अंत तक देखी है तो उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो के बारे में आपकी जो भी राय है कमेंट्स करके जरूर बताएं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसी मजेदार वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए दोस्तों, मिलते हैं बहुत जल्द अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।